ऐसे हालात में कोई शौहर अपनी बीवी को छोड़कर जाता है जिसका माशाल्लाह 47 साल का साथ हो, ऐसे हालत में कोई बेटी छोड़ के जाती है जो अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के कभी जाती है? लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? मुझे पता है कि मैं सीधा जेल में जाना है, इसको भी पता है कि इसने सीधा जेल में जाना है, लेकिन किसके लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। मेरा मुल्क नज़र आ रहा है कि बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, ये बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग मेरे मुल्क को। मैं अपने मुल्क को बर्बाद नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, और मैं अपनी ये कुर्बानी दे रहा हूँ जो मैं जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी कौमी ड्यूटी है, वो कर्ज़ चुका रहा हूँ जो कर्ज़ मुझ पर वाजिब है, और ये मेरा साथ दे रही है, मेरे साथ जा रही है। ये भी हो सकता था कि ये ना जाती, रहती यहाँ पे, मैं चला जाता, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं भी, चूँकि ये एक जहाद है, ये एक बड़े नोबल कॉज की स्ट्रगल है, और ये बहुत बड़ा मकसद बड़ा अजीम है, मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रही हैं। जब हम जा रहे हैं तो मैं अल्लाह के फजल व करम से मुझे पूरा यकीन है कि कौम भी हमारे साथ होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम पूरा साथ देगी इंशाल्लाह। उसको भी पता लग रहा है कि इस मुल्क में अगर तब्दीली ना आई तो ये मुल्क जो है वो फिर खुदा ना खास्ता बह जाएगा। तो आप भी मेरा साथ डरे ना, आप भी मीडिया वालों ना डरो, बिल्कुल ना डरो, इकट्ठे हो जाओ, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपका बाल भी का नहीं कर सकता। आप सब इकट्ठे हो जाएंगे, मैं मीडिया की बात करूं, आप सब इकट्ठे हो जाए, कुछ नहीं कोई कर सकता, कुछ नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आप स्टैंड लेंगे, मुल्क समर जाएगा, मुल्क जन्नत बन जाएगा, जहन्नम बनने से बच जाएगा।